दोस्तों आज की वीडियो में हम सेब की यूज करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, अपने कैरेक्टर को हम कैसे टॉक कराते हैं, गुस्सा कैसे कराते हैं और स्माइल कैसे कराते हैं, तो फ्रेंड्स आज हम इसी के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, ये पूरी की पूरी वीडियो सेब की पे होगी। अगर आपको सेब की यूज़ करना नहीं आता है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं मुना पटेल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब की चैनल इजी वे। फ्रेंड्स, काफ़ी शिकायतें और काफ़ी कमेंट्स आने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि सेबकी का यूज़ कैसे करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन आज मैं आपको पूरी की पूरी वीडियो सेबके पे डिपेंड है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा कैरेक्टर है, यहाँ पर मैंने सेबकी इसमें नहीं डाला हुआ है, तो इसमें मैं सेबकी का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पे जाने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं सेब की, ठीक है फ्रेंड्स। सेब की अगर मिनिमाइज है तो यहाँ से ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर दीजिए। इसको आप कुछ मत कीजिएगा, कुछ मत छेड़िएगा, ये बेसिस ऐसे ही रहने दीजिएगा। फिर प्लस पे आप क्लिक कीजिएगा, इसको आप टॉक लिख दीजिए, TALK टॉक लिख दीजिए। याद रहे टॉक लिखने से ये बात नहीं करेगा, ठीक है। बस हम एक समझने के लिए यहाँ पे टॉक लिख रहे हैं, फिर स्माइल लिखेंगे, देन एंग्री लिखेंगे, ठीक है ना। यानी जो जो हम चीज़ें देते हैं, जो जो सेब की देते हैं, जो जो हम मूड देते हैं बंदे को, वो हम नाम लिख देते, ताकि हम जब यूज करें एनिमेशन के टाइम तो हमारे लिए आसान हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर टॉक में लिख दिया। अब इसे मैं टॉक कराने के लिए यहाँ पर मूड देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे बॉडी को सेलेक्ट कर लीजिए। ध्यान रहे बोन को सेलेक्ट मत कीजिएगा, यहाँ पर मैंने बोन को हाइड किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आप टैप प्रेस कर लीजिए, एडिट मोड में जाइए। ध्यान रहे यहाँ पे सेब की यहाँ पे टॉक पे है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, फेसेस को यहाँ पे ऑन कर लीजिए, इसको आपको सेलेक्ट करना है। देन आपको पूरे का पूरा यहाँ पे लिप्स को सेलेक्ट कर लेना है, जो ब्लैक से आपने किया था, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करके पूरा का पूरा आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। उसके बाद एस प्रेस कीजिए और जेड प्रेस कीजिए और इसे बड़ा कर लीजिए, ठीक है ना। लीजिए, इतना काफ़ी है। यहाँ से मैं की को ऑन कर देता हूँ डिस्प्ले को, ताकि आपको दिखाई दे। अब आप देख सकते हैं यहाँ कि मैंने माउथ बड़ी हो गई, यानी बड़ी मतलब जब ये 1% होगा इसके वैल्यू, ठीक है, तो ये बड़ा हो जाएगा। कैसे होगा, तो टैप प्रेस करता हूँ या फिर यहाँ से आकर ऑब्जेक्ट मोड में चले जाइए। अब मैं वैल्यू को यहाँ से बढ़ाऊँगा 1% तक, तो खुलेगा। अब कम करूँगा तो बंद हुआ, 1 करूँगा तो खुलेगा इस तरह। हाय, कैसे हो, है ना। तो ऐसे करके हम यहाँ पर सेव किए, मैंने देखिए टॉक का डाल दिया, थोड़ा सा और कर लेता हूँ छोटा। ये लीजिए, ये टॉक का हो गया। अब उसके बाद से हमारी मेन आई स्माइल की, ठीक है। तो सबसे पहले स्माइल का मैं पहले हम एंग्री का बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्लस वाले पे क्लिक करके यहाँ पे एंग्री लिख देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद से फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे फेस को सिलेक्ट कर लेना है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स अब बस एंग्री का एक फेस बनाना है। तो एंग्री अगर कोई बंदा गुस्सा होता है तो उसकी भावें जो हैं यहाँ पर थोड़ी सी तिरछी हो जाती हैं, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद से मैं इसे सेलेक्ट करने के बाद एल प्रेस करूँगा फ्रेंड्स, तो सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। आर प्रेस करके थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी एल प्रेस कर लेता हूँ, आर प्रेस करके थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। अब माउथ पे थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं, यानी यहाँ प्रेस करके मैं फेसिस को ले लेता हूँ, गुड। थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेता हूँ, गुड। और इसे मैं ले लूँगा, इसे सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। फ्रेंड्स मैं प्रॉपरली यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि हाँ एक मूड हम कैसे देते हैं गुस्से टाइप का। आप यहाँ पे उसी का यूज करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं टैप प्रेस करता हूँ। अब फ्रेंड्स ये एंग्री है, तो एंग्री जैसे मैंने मूड आउट कर लिया, अब एंग्री देख सकते हैं आप, बिल्कुल खतरनाक टाइप दिख रहा है ना। अब इस एंग्री मूड में ही बात कर रहे हैं, तो इसको हम फुल कर दिए, फिर यहाँ पे टॉक पे सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे बात करना शुरू करेगा, देखो ऐसा है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। उसके बाद से अब स्माइल की बात आती है, ठीक है। तो एंग्री को यहाँ पे 0 कर दीजिए, है ना, बिल्कुल नॉर्मल मूड आ गया। प्लस कीजिए, यहाँ पर जाइए और SMILE, ठीक है ना, स्माइल लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद सब अब बंदा स्माइल करेगा, तो उसका से थोड़ा सा ये है ना, थोड़ा सा ऐसे हो जाता है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँगा, इसको ऊपर, थोड़ी सी भावों को हल्की सी तिरछी कर दूँगा। चलिए, वैसे आपको भी बेटर नॉलेज होगी कि स्माइल करते वक्त चेहरा कैसा होता है, या फिर खुद आईने के सामने खड़े होकर स्माइल करके देख सकते हैं
कि आपका फेस कैसा हो रहा है ना जी। हार प्रेस किया मैंने, थोड़ा सा तिरछा किया। अब मैं इस पे थोड़ा काम कर लेता हूँ, फेसिस कौन करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ गोट। यहाँ से जा कर के इस एक लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है जी, आप इससे भी बेटर बना सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको कि स्माइल के टाइम फेस कैसा होता है। चलिए मैं टैप प्रेस करता हूँ, अब देखो स्माइल देख सकते हैं आप, है कि नहीं। स्माइल टाइप में, अगर इसे स्माइल टाइप में अगर मैं बात कराऊँ इससे, है भैया, है ना, तो आप बात करा सकते हैं अपने कैरेक्टर को। ठीक है, देख सकते हैं स्माइल फेस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एंग्री फेस करूँ तो देख सकते हैं स्माइल को आप ज़ीरो कर दीजिए, है ना। देखिए अब इसमें भी टॉक करा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरह करके यहाँ पे एंग्री, स्माइल, टॉक, काफ़ी सारे फेसेस का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसे लगी आपको मेरी वीडियो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।